हाँ जी बच्चों, हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और कल के लेक्चर में हमने देखा था कि भाई जो पॉइंट चार्ज है उसका पोटेंशियल के क्यू बाय आर के बराबर होता है, वेयर के इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू है चार्ज और आर है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट फ्रॉम द चार्ज। जैसे यहाँ पर पी पॉइंट है, आर डिस्टेंस पे अगर पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल देखेंगे तो के क्यू बाय आर आएगा। ओके बच्चों, और अगर नेगेटिव चार्ज होता हमारे पास उसका पोटेंशियल -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर होता है नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल। नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पी पर माइनस होगा, ठीक है, नेगेटिव होता है। और एक चीज हमने देखी थी कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग जाएंगे, मींस अगर हमारे पास तीन पॉइंट्स हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है, हम ऐसे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होती है ना, इस तरफ जाती है अवे फ्रॉम द चार्ज, तो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पोटेंशियल डिक्रीजेस। मीन सी पे पोटेंशियल कम होगा, बी पे पोटेंशियल थोड़ा ज्यादा होगा और ए पे पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज की बात करें उसमें सिचुएशन रिवर्स हो जाएगी। नेगेटिव चार्ज के केस में अगर आप सी पॉइंट पर पोटेंशियल लिखेंगे तो वो सबसे बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन में चलते चले जाते हैं, ऐसे जाते हैं जैसे जैसे, वैसे वैसे पोटेंशियल डिक्रीज होता है। तो यहाँ पर सी का पोटेंशियल सबसे बड़ा होगा, बी का पोटेंशियल उससे छोटा होगा और ए का पोटेंशियल सबसे छोटा होगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें जो कल के लेक्चर में हमने सीखी थी उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। फिर हमने देखा कि अगर हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस है, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, जैसे यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर लेट अस सपोज 2Q चार्ज है, यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ पर भी 2Q चार्ज है, और हमें लेट अस सपोज फाइंड करना है पोटेंशियल एट द सेंटर। तो पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, पोटेंशियल निकालने के लिए आपको डायरेक्शंस नहीं चाहिए। तो अगर ये ए साइड है बच्चों, तो ये साइड जो यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट हमारे पास हो जाएगा √2a, लेकिन हमें चाहिए सिर्फ इतना डिस्टेंस, पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज, वो आएगा a/√2। जब आप इस √2a को 2 से डिवाइड करेंगे तो a/√2 आएगा, मीन्स प्लस क्यू का पोटेंशियल आएगा प्लस के क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस a/√2। ये पहले का पोटेंशियल लिख दिया मैंने, इसका दूसरे का लिखना है, इसी में ऐड कर दो 2k³ अपॉन डिस्टेंस, ये दूसरे का, तीसरे का लिखना है वो भी इसी में ऐड कर दो, चौथा नेगेटिव है माइनस वाला वो माइनस करके लिखेंगे। तो इस तरह से जो नेट पोटेंशियल होता है बच्चों वो जस्ट सम होता है सारे पोटेंशियल्स का। डिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस को नहीं छोड़ना, ध्यान से देखना पॉइंट का डिस्टेंस हर चार्ज से कितना है, इस केस में सेम ही है, बाकी सब के क्यू वाला फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ पर ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल हो गए और हमारा आंसर आ रहा है 4 k³, और ये √2 भी ऊपर चला गया, यहाँ से एलसीएम आ जाएगा डिवाइड बाय ए। तो दिस इज द नेट पोटेंशियल इन दिस केस। तो ये एक एग्जांपल थी जो हमने अभी देखी। ऐसे ही अगर हम देखें कि लेट अस सपोज हमारे पास एक एग्जांपल है, उसमें हमें फाइंड करना है कि भाई दो पॉजिटिव चार्जेस है क्यू और दूसरा पॉजिटिव चार्ज एक और है हमारे सामने, इसके पास एट सम डिस्टेंस लेट अस सपोज 2a, हमारे पास एक और पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड द पॉइंट वेयर पोटेंशियल ड्यू टू दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज जीरो, मीन्स हमें वो लोकेशन फाइंड करनी है वेयर जो नेट पोटेंशियल है वो जीरो है। हाँ जी, क्या ऐसा होगा यहाँ पर इसके अराउंड जहां पर नेट पोटेंशियल जीरो हो? सोचने वाली बात है, नहीं होगा इस केस में, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, कोई भी पॉइंट ले लो आप, लेट अस सपोज यहाँ पॉइंट ले लिया, ये डिस्टेंस हो गया R1, ये डिस्टेंस हो गया R2, तो दोनों का पोटेंशियल पॉजिटिव ही तो रहेगा। पहले चार्ज का रहेगा जी k³/R1, दूसरे का भी पॉजिटिव ही आना है k³/R2, हमेशा पॉजिटिव पोटेंशियल ही आना है। तो जब भी चार्जेस सेम तरह के होते हैं, अगर दोनों नेगेटिव भी होते तब भी, या दोनों पॉजिटिव है तब भी, या दो के बजाय 10, 15, 50 चार्जेस हैं लेकिन सारे ही पॉजिटिव है, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो हो। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि ये पॉसिबल है कि किसी किसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास जीरो आ जाए, बट जो उसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में जो पोटेंशियल है वो हमारे पास नॉन जीरो आ जाए। दिस इज पॉसिबल। ये बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। आपको पता है कि अगर मैं इस केस में मिड पॉइंट पे आ जाऊं तो इस मिड पॉइंट पे इस पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम चार्ज इधर बनेगी, इस पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम चार्ज इधर बनेगी, और दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिड पॉइंट पे जीरो है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है बच्चे, बट पोटेंशियल जीरो नहीं है। तो इस तरह की सिचुएशंस हो सकती हैं। लेकिन अगर एक चार्ज पॉजिटिव है
और दूसरा चार्ज नेगेटिव है, तब क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं। लेट अस सपोज दिस इज प्लस q और यहां से किसी डिस्टेंस x डिस्टेंस ले लेते हैं, इस बार टू वे क्यों लेना हर बार, एक हमारे पास आ गया जी माइनस q, ठीक है जी, ये माइनस q चार्ज है। अभी हमें बताना है कि क्या यहां पर पॉसिबल है कि पोटेंशियल जीरो हो, तो इस केस में तो बहुत ही आसान है, कल हमने किया था, डाइपोल वाला केस है ये। इस केस में हमारे पास मिड पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो होगा और इक्विटोरियल प्लेन पर कोई भी पॉइंट हो, पोटेंशियल उस हर किसी पॉइंट पर जीरो ही होने वाला है, क्योंकि हर केस में ये मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर अगर हम ऐसे लाइन खींच दें, ये इक्विटोरियल लाइन है, कहीं पर भी आप पॉइंट ले लें तो डिस्टेंस दोनों केसेस में इधर से भी सेम रहेगा, इधर से भी सेम रहेगा, और पॉजिटिव का पोटेंशियल आएगा के क्यू बाय आर, नेगेटिव का आएगा के क्यू बाय माइनस के क्यू बाय आर, दोनों कट जाएंगे, पोटेंशियल जीरो हो सकता है, मीन्स ऑपोजिट चार्जेस में हो सकता है, और अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो इक्विटोरियल प्लेन ऐसा प्लेन होता है जहां पर पोटेंशियल जीरो होता है। बट अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है तब क्या होगा, तब पोटेंशियल कहां पर जीरो होता है और कितने पॉइंट्स पर जीरो होता है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, वो अभी हम फाइंड करने वाले हैं। तो अभी हम फाइंड करेंगे लोकेशन ऑफ पॉइंट्स वेयर पोटेंशियल इज जीरो, किसके लिए, फॉर टू अनइक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, और कहां फाइंड करेंगे, कंडीशन है हमें फाइंड करना है ऑन द लाइन ज्वाइनिंग, लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो ही पॉइंट्स होंगे या एक ही पॉइंट होगा लाइन ज्वाइनिंग पे, बहुत सारे पॉइंट ऐसे हो सकते हैं, इवन पूरा सरफेस बनता है जहां पर पोटेंशियल जीरो हो सकता है, तो हम वो सारे पॉइंट्स नहीं फाइंड कर सकते, हमें एक या दो पॉइंट फाइंड करने हैं, और कहां फाइंड करने हैं, लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस पे, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो लेट अस कंसीडर हेयर वी हैव क्यू वन चार्ज और इसके सामने ये है हमारे पास क्यू टू चार्ज, एंड लेट अस अज्यूम क्यू वन चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो क्यू टू चार्ज से छोटा है, एक चार्ज यहां पर नेगेटिव है, दूसरा यहां पर पॉजिटिव है, और जो क्यू वन है उसका मैग्नीट्यूड स्मॉल है। तो बच्चे ऑब्वियस ही बात है, जैसे कि आपको पता है कि डिस्टेंस के बढ़ने से पोटेंशियल डिक्रीज होता है, तो इसका मतलब है कि वो जो पॉइंट होगा छोटे चार्ज के पास होगा, क्यों, क्योंकि छोटे चार्ज का पोटेंशियल वैसे ही कम है, क्यों कम है, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड कम है, हमें डिस्टेंस भी कम लेना पड़ेगा, सच दैट इसका पोटेंशियल इसके पोटेंशियल के बराबर आ जाए और वो दोनों कैंसिल हो जाए। तो ये जो पॉइंट होता है हमेशा स्मॉलर चार्ज के पास होता है, ध्यान देने वाली बात है, और कहां कहां होता है, ये इन बिटवीन द चार्जेस भी होता है पॉइंट और आउटसाइड द चार्जेस भी होता है, तो दो पॉइंट होते हैं जहां पे पोटेंशियल जीरो होता है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। लेट अस सपोज वी फर्स्टली फाइंड दिस पॉइंट पी और इसका डिस्टेंस हम यहां से एक्स वन मान लेते हैं, और लेट अस सपोज द टोटल सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस इज कैपिटल एक्स, और दूसरे चार्ज का जो डिस्टेंस है बच्चे वो एक्स टू जो आएगा वो किसके बराबर आएगा, ध्यान से डायग्राम देखें, वो आएगा एक्स माइनस एक्स वन के बराबर। अब हमें यहां पर पोटेंशियल जीरो करना है इस P पॉइंट पर, तो हम दोनों का पोटेंशियल लिख देते हैं, एक का पॉजिटिव है एक का नेगेटिव है, दोनों को इक्वेट कर देते हैं, जस्ट माइनस प्लस नहीं डालते, या ऐसे भी करके लिख सकते हैं कि पहले हम पॉजिटिव का लिखते हैं के क्यू टू अपॉन डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम क्यू टू इज एक्स माइनस एक्स वन, ये आ गया पॉजिटिव का, नेगेटिव का माइनस में पोटेंशियल लिखना पड़ेगा, माइनस के Q1 और इसका डिस्टेंस है P पॉइंट का Q1 से X और टोटल पोटेंशियल चाहिए जीरो, तो ये आपकी इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में से K कट जाएगा कॉमन आके और आपके पास बन जाएगा जी Q2 अपॉन X माइनस X1 इज इक्वल टू Q1 बाय X, ठीक है जी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहां से आपके पास ये बनेगा जी X अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू क्यू वन बाय क्यू टू, इस तरह से लिखा जा सकता है, और यहां से हमें निकालना है एक्स वन बच्चे, तो एक्स वन निकालने के लिए पहले हम इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो ये बनेगा जी एक्स माइनस एक्स वन डिवाइड बाय एक्स इज इक्वल टू क्यू टू बाय क्यू वन, अब यहां से इसको लिख सकते हैं वन माइनस एक्स वन बाय एक्स इज इक्वल टू Q2
Q2 बाय Q1, थोड़ा सा सिंपल कैलकुलेशंस हैं यहाँ पर, और ये बन गया जी X1 बाय X इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 बाय Q1, ये वाली टर्म इधर आ गई, ये उधर चली गई, X1 आपने फाइंड करना है, तो X1 आ गया X इंटू 1 माइनस Q2 बाय Q1। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को आप यूज कर लें, इसको फाइंड कर लें, यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दें, यू विल फाइंड दैट डिस्टेंस x1। अगर न्यूमेरिकल आ गया इस तरह का तो वो तो बहुत आसान है, उसमें जस्ट आपने न्यूमेरिक वैल्यूज पुट करनी है और आपके पास फटाफट आंसर आ जाएगा, कोई उसमें डाउट नहीं है। करके देख लेते हैं एक क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी, और अभी हम दोनों पॉइंट फाइंड करेंगे, और ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, वैल्यूज में भी डिफरेंट बट ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। तो एक हमारे पास 2e चार्ज है, -2e, और एक हमारे पास +4e चार्ज है, ठीक है जी, और दोनों में जो सेपरेशन है दैट इज 10 सेंटीमीटर। तो लेट अस फाइंड, पहले जो पॉइंट P है वो यहां है, उसका डिस्टेंस x मान लेते हैं, तो अगर उसका डिस्टेंस x है बच्चों, तो दूसरा डिस्टेंस हो गया हमारे पास 10 माइनस एक्स। नेगेटिव का पोटेंशियल k into 2e by x, this must be equal to potential of positive which is k into 4e upon 10 minus x। बस इस तरह से इक्वेशन लिखनी है और उसको सिंप्लीफाई करना। तो ये आ गया 10 minus x is equal to 2x, इधर से 10 minus x इधर चला गया और ये 2 का फैक्टर बचा था is equal to 2x, तो 10 इज इक्वल टू 3x और x इज इक्वल टू 10/3। 10/3 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे फ्रॉम द स्मॉलर चार्ज, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, फ्रॉम द स्मॉलर चार्ज इतने डिस्टेंस पर पोटेंशियल जीरो होगा। ओके, इसी केस में अगर हम पॉइंट बाहर ले लेते, लेट अस सपोज ये पॉइंट हमने ले लिया क्यू पॉइंट, तब कैसे करते, तब इसका डिस्टेंस यहां से एक्स मानते, तो क्यू का डिस्टेंस +4e से कितना होता, 10 + x। अब हम 4 पॉइंट q लिखने वाले हैं इक्वेशन, तो q पॉइंट के लिए पहले मैं नेगेटिव का पोटेंशियल लिख रहा हूं k into 2e डिवाइड बाय x, अब मैं पॉजिटिव का लिख रहा हूं k into 4e डिवाइड बाय 10 + x। यहां पर 10 + x आएगा क्योंकि अभी हमने x डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक माना है और टोटल डिस्टेंस जो 10 था वो इस पॉइंट से लेके सेपरेशन थी यहां तक की 10 जो था, ठीक है। ओके, अब एक्स ये वाला नहीं है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4 ये कट गया जी, 2 हो गया, e कट गया, 10 + x इज इक्वल टू 2x, तो 10 इज इक्वल टू 2x - x, देयरफॉर x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। मींस अगर आप आउटसाइड पॉइंट लेंगे तो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, -2e से इस तरफ 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वो पॉइंट है जहां पर पोटेंशियल जीरो होगा। तो इस तरह के सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं। अब यहां पर एक ग्राफ भी आपको बताना चाहूंगा, अगर दो पॉजिटिव चार्जेस हैं आपके पास और मिड पॉइंट की बात करें तो मिड पॉइंट पे पोटेंशियल मिनिमम होता है, तो यहाँ पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ एक्स से, ये ओरिजिन है, यहाँ पर ये एक चार्ज ओरिजिन पे पड़ा है, तो यहाँ पर पोटेंशियल मैक्सिमम चाहिए नियर द चार्ज, धीरे 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 डिक्रीज होगा, मिनिमम होगा और फिर बढ़ेगा इस तरफ, तो ये ग्राफ है, कभी जीरो नहीं होगा पोटेंशियल क्योंकि दोनों चार्जेस पॉजिटिव है। अगर दोनों चार्जेस नेगेटिव होते इस केस में तो ये ग्राफ ऐसे बनता, इसमें वी नेगेटिव होता, -v डिस्टेंस एक्स, ये किसके लिए है, ये भी चार्ज नेगेटिव, दूसरा चार्ज भी नेगेटिव, तो मिड पॉइंट पे जाके मैक्सिमम हो जाता पोटेंशियल, जितना कि यहां पर शो हो रहा है, ये मैक्सिमम वैल्यू है पोटेंशियल की, वी मैक्स, और अदरवाइज ये पोटेंशियल जो है जीरो कभी नहीं होगा क्योंकि दोनों चार्जेस सेम तरह के हैं। लेकिन अगर दो चार्जेस, एक पॉजिटिव है जी हमारे पास और एक नेगेटिव है, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तब आपको पता है कि पोटेंशियल मिड पॉइंट पर जीरो होता है, तो पोटेंशियल का एक्स के साथ ग्राफ, सॉरी ये नहीं बनेगा, तब हमें पता है कि मिड पॉइंट पे जीरो होता है, तो उस केस में हमारा पोटेंशियल ऐसे बनेगा, ये वी, ये एक्स, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जीरो चाहिए वैल्यू। यहां से जैसे जैसे हमारे पॉजिटिव पोटेंशियल था धीरे 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 कम होता गया, यहां जीरो हो गया मिड पॉइंट पर, और ये इधर नेगेटिव का, तो ऐसे कॉन्टिन्यू हो जाएगा, ये कॉन्टिन्यू बनाना पड़ेगा, ड्रॉ इट अगेन,
तो यहाँ किंक नहीं है, ऐसे कॉन्टिन्यूसली ये ग्राफ बनेगा। ये है पोटेंशियल वर्सेस एक्स का ग्राफ फॉर टू गिवन चार्जेस, वन इज पॉजिटिव अनदर इज नेगेटिव। तो नेक्स्ट एग्जांपल है कि हमारे पास एक क्यूब है, इस क्यूब के हर एक कॉर्नर पर हमारे पास चार्जेस पड़े हुए हैं, Q चार्ज हर कॉर्नर पर चार्ज है Q चार्ज, और इसकी जो साइड है बच्चों वो है L। टोटल चार्जेस कितने होंगे अगर हर कॉर्नर पे Q है तो टोटल चार्जेस होंगे 8। हमें इन 8 चार्जेस का पोटेंशियल फाइंड करना है सबका, कहां पर, एट बॉडी डायगोनल। तो जस्ट आपको एक का लिखना है और फिर उसको 8 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि सबका डिस्टेंस सेम होगा। इसका जितना डिस्टेंस होगा उतना ही इसका होगा, उतना ही इसका होगा, सेम डिस्टेंस है 3D में सबका, तो वो हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, क्यूब का केस में आपको पता होगा वैसे भी कि पहले हम ये करते हैं कि ये जो नीचे वाला सरफेस होता है उस सरफेस को, और ये सामने एक कॉर्नर है, तो एक्चुअली हमें यहाँ पर ये डिस्टेंस फाइंड करना होता है ये वाला। तो ये डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम पहले नीचे वाला डिस्टेंस फाइंड करेंगे, नीचे वाली साइड b ले लेते हैं। चलिए क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करते हैं, नीचे वाली साइड b ले लेते हैं, ऊपर वाली साइड l ले लेते हैं, ठीक है जी। और जो पीछे वाली साइड है बैक वाली वो भी b ले लेते हैं, मींस नीचे स्क्वायर है ऊपर l है। चलो तो सबसे पहले हम यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। ये साइड b है जी और ये भी b है, या ये भी b है और पीछे वाली भी b है, लेकिन ये जो ऊपर वाली साइड है हाइट वो l है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये डिस्टेंस फाइंड करते हैं, ये दोनों तो 90 डिग्री पे हैं, तो ये ग्रीन वाला डिस्टेंस आएगा अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज रूट टू बी। तो ये ग्रीन वाला रूट टू बी बन गया, और ऊपर वाला, ये ऊपर वाला एल है, ठीक है। अब फिर से पाइथागोरस लगाएंगे इस राइट एंगल ट्रायंगल में, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल ही है, शायद देखने में नजर नहीं आ रहा आपको ऐसा, बट अभी यहाँ पर ये हाइपोटेन्यूज फाइंड करेंगे। तो अब हमारे पास आ जाएगी साइड रूट टू बी का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर अंडर रूट, फिर से पाइथागोरस लगाई हमने, तो ये साइड आ जाएगी, ये आ जाएगी जी टू बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट, तो ये साइड हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है जी। ओके, अब आपने जब बॉडी सेंटर्स की बात करनी है तो बॉडी सेंटर्स के मिड पॉइंट पर होगा, तो ओवरऑल डिस्टेंस आपने ये चाहिए आपको, हर किसी चार्ज का डिस्टेंस वो डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो बहुत आसान था, ये डिस्टेंस हमने निकाल लिया, और अब एक चार्ज का पोटेंशियल आएगा के क्यू डिवाइड बाय ये वाला डिस्टेंस 2b स्क्वायर प्लस l स्क्वायर डिवाइड बाय 2, वो ऊपर चला गया, तो 2kq अपॉन ये वाला फैक्टर, ये एक चार्ज का पोटेंशियल है। टोटल पोटेंशियल 8 से मल्टीप्लाई करो सिंपली, 8 × 2kq। तो बस ये डिस्टेंसेज अगर निकालने आते हैं, ज्योमेट्री अगर आपको आती है तो ये वाले क्वेश्चन करना बहुत आसान है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन का कोई चक्कर नहीं है, तो यहाँ पर पोटेंशियल जीरो नहीं होगा, लेकिन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। जैसे कि तुम्हें पता है कि इस पॉइंट पर आकर सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे की एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल करेंगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से जीरो है, लेकिन पोटेंशियल जीरो नहीं है। ओके, अब हम इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपको, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। ये है 5q चार्ज, ये है -3q चार्ज, इन दोनों में डिस्टेंस है 10 cm, और एक हमारे पास और चार्ज है विच इज क्यू, ये वाला चार्ज क्यू। इस क्यू चार्ज को कह रहा है मूव करना है फ्रॉम पॉइंट पी टू पॉइंट क्यू, ठीक है जी। और पी और क्यू में जो सेपरेशन है वो बताता हूं आपको, ये वाला डिस्टेंस भी 10 cm है, और ये डिस्टेंस जो है दिस इज 5 cm। मींस मुझे क्या करना है, मुझे पी पॉइंट से क्यू पॉइंट तक इस क्यू को मूव करना है। तो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन है आसान। कैसे आसान है, लेट अस सपोज दिस इज ए पॉइंट, दिस इज ए चार्ज, दिस इज बी चार्ज, तो हमें पहले क्यू पॉइंट पर वी क्यू फाइंड करना है। वो वी क्यू किस किस का पोटेंशियल आएगा, वो आएगा पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज 5q प्लस पोटेंशियल ड्यू टू
चार्ज माइनस 3q, तो फटाफट लिख लेते हैं k इंटू 5q डिवाइड बाय डिस्टेंस। q पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम 5q चार्ज इज 15 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 15, और इसके साथ साथ यहां पर ये आ गया अभी एक चार्ज का, दूसरे का माइनस के इंटू 3q, और 3q का डिस्टेंस कितना है जी क्यू चार्ज से, वो है 5। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट नेट पोटेंशियल एट क्यू। सिमिलरली नेट पोटेंशियल एट पी, पहले हम पॉजिटिव का लिख लेंगे, 5q डिवाइड बाय ये टोटल डिस्टेंस 20 है बच्चों, माइनस फिर हम नेगेटिव का लिखेंगे वहीं पर के इंटू 3q, और ये जो टोटल डिस्टेंस है वो हमारा माइनस 3q से 10 है। बस ये दोनों पोटेंशियल आ गए आपके पास, और फॉर्मूला है हमारे पास वर्क डन फ्रॉम पॉइंट पी टू क्यू, ये पूछा गया था। तो दैट इज जो चार्ज मूव करना है वो वाला चार्ज, फाइनल पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल एट क्यू माइनस इनिशियल पोटेंशियल मींस पोटेंशियल एट पी। तो इसमें जब आप सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट वर्क डन। तो इस तरह से चार्जेस भी गिवन हो सकते हैं, पोटेंशियल डायरेक्टली नहीं गिवन है यहाँ पर, पहले पोटेंशियल निकालो फिर वहां पुट करो और फिर आप वर्क डन निकालो। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। लेट अस सपोज वी हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस विच आर प्लेस्ड एट डिस्टेंसेस 1 मीटर, अगला पड़ा है जी 2 मीटर पर, उससे अगला पड़ा है 4 मीटर पर, क्यू क्यू क्यू, और उससे नेक्स्ट जो है वो पड़ा है जी 8 मीटर पर, और इस तरह से एक्स एक्सिस पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस हैं, और हमें फाइंड करना है नेट पोटेंशियल एट ओरिजिन। तो वही जीपी वाला क्वेश्चन है। तो वी नेट जब आप लिखेंगे के कॉमन आएगा, क्यू कॉमन आएगा, ब्रैकेट में रहेगा 1/1 पहले चार्ज का डिस्टेंस, दूसरे के लिए 1/2, तीसरे के लिए 1/4, 1/8 एंड सो ऑन, सबका पोटेंशियल ऐड करना है जस्ट आपने। तो ये फिर से बन गई जीपी। उस जीपी की फर्स्ट टर्म है हमारे पास 1, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है सम ऑफ जीपी इज ए अपॉन 1 माइनस आर, ए इज फर्स्ट टर्म विच इज 1 अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। नाउ कॉमन रेशियो इज 1/2, इसको सॉल्व करेंगे तो के क्यू डिवाइड बाय 1/2, तो ये बन गया 2KQ मींस 2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। तो आंसर इज क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आर भी है साथ में, आर नहीं है ये डिस्टेंसेस ही हैं। तो दिस इज द नेट पोटेंशियल एट ओरिजिन। तो इस तरह से हमने फाइंड कर लेना है। सेम सिचुएशन में अगर हमारे पास ये केस होता जी ओरिजिन, और वहां से एक चार्ज पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव फिर पॉजिटिव, तो क्या होता, वो आप खुद कर लेना, प्लस माइनस के साइन आएंगे, कॉमन रेशियो माइनस 1/2 आएगी, और उसका आंसर आएगा क्यू अपॉन 6 पाई एप्सिलॉन नॉट, तब ये आएगा। ठीक है, देखो ये एक एग्जांपल है बच्चे, नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसमें हमारे पास क्या है कि हमारे पास 27 ड्रॉप्स हैं, 27 ड्रॉप्स ऑफ सेम साइज आर चार्ज टू 220 वोल्ट ईच। टोटल 27 ड्रॉप्स हैं, इस तरह से हर किसी के ऊपर चार्ज है, उसके कारण हर किसी का जो पोटेंशियल है, क्योंकि चार्ज आएगा तो पोटेंशियल, हर किसी का जो पोटेंशियल है वो है हमारे पास 220 वोल्ट। टोटल 27 ड्रॉप्स हैं, उनको मिला के हमने एक सिंगल ड्रॉप बना दी, एक बड़ी ड्रॉप बना दी, और अभी हमें फाइंड करना है द पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप। सबसे पहले ये चीज ध्यान रखेंगे कि ड्रॉप जो है वो एक स्फेरिकल बॉडी है, स्फेरिकल बॉडी के केस में जो उसका पोटेंशियल आता है बच्चे, अगर उसकी रेडियस आर है तो आप उसका पोटेंशियल निकालना चाहते हैं आउटसाइड द ड्रॉप, या उसके सरफेस पे पोटेंशियल दिया जाता है, वो पोटेंशियल सिंपली के क्यू बाय आर ही होता है, पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला ही यहाँ पे लगता है। तो इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले हमें स्मॉल का पोटेंशियल लिखना है, तो स्मॉल ड्रॉप्स का पोटेंशियल जो है टोटल, जो बिफोर कंबाइनिंग द ड्रॉप्स था वो था 27 into 220, दिस इज द पोटेंशियल ड्यू टू स्मॉलर ड्रॉप। ठीक है, ये पोटेंशियल है, हमें बड़े वाले का पोटेंशियल निकालना है। तो बड़े वाले पोटेंशियल का फॉर्मूला लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ बिगर ड्रॉप। अब यहां पर हमें टोटल चार्ज भी फाइंड करना है और इसके साथ साथ हमें ये भी फाइंड करना है कि भाई आर कितना है। तो कैपिटल आर फाइंड करने के लिए हम वॉल्यूम की कंडीशन लगाएंगे, वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप इज इक्वल टू 27 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स। तो ये हमारे पास आ गया 27 4 बाय 3 पाई स्मॉल आर क्यूब। अगर स्मॉल आर उसकी रेडियस है छोटी वाले की, बड़े वाले की कैपिटल आर। तो यहां पर हमारे पास जो रिलेशन आएगी, कैपिटल आर विल बी क्यूब रूट ऑफ 27 आर क्यूब विच इज 3 आर। तो ये बड़े वाले की रेडियस आ गई हमारे पास इन टर्म्स ऑफ स्मॉलर रेडियस। अब चार्ज की बात करें तो अभी चार्ज आपको पता है, चार्ज इज एडिटिव। तो बड़े वाली ड्रॉप का जो चार्ज होगा, बिगर वाली का, या मैं कैपिटल क्यू यूज करता हूं, वो हमारे पास आएगा जी 27 टाइम्स स्मॉल क्यू। ओके, नाउ व्हाट इज स्मॉल क्यू, इसको हम फाइंड करना चाहते हैं। स्मॉल क्यू को फाइंड करने के लिए हमें ये कंडीशन लगानी पड़ेगी, यहाँ पर स्मॉल का पोटेंशियल लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू बाय आर। तो स्मॉल क्यू इज बेसिकली 220, ये भी स्मॉल 220 है, इनटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इस चीज को हम यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये बन गया जी 27 इनटू 220 इनटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, दिस इज कैपिटल क्यू। नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट ऑल दीज वैल्यूज इन दिस इक्वेशन। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गया, कैपिटल क्यू हमारे पास आ गया जी 27 इंटू 220 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और यहाँ पर जो कैपिटल आर है वो है 3 आर। तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 9 का फैक्टर आ जाएगा। दिस इज 9 इंटू 220, तो आंसर इज 9 इंटू 220 1980 वोल्ट्स। यहाँ पर एक बी पॉइंट है, यहाँ पर एक ए पॉइंट है, ये 2 मीटर डिस्टेंस है और ये 1 मीटर का डिस्टेंस है। और पूछा गया है कि एक 1 माइक्रोकूलम का चार्ज है जो ओ पॉइंट पर रखा गया, तो यहाँ पर 1 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा गया, q इज इक्वल टू 1 माइक्रोकूलम प्लेस एट पॉइंट ओ बिटवीन ए एंड बी सच दैट ए ओ इज इक्वल टू 2 मीटर एंड ए ओ इज 2 मीटर एंड ओ बी इज 1 मीटर। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी, VA माइनस VB फाइंड करना है बच्चों, और उसके साथ साथ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इफ द पोटेंशियल ऑफ B इज चेंज्ड एज शोन इन फिगर। तो एक ये सिचुएशन है और सेकंड फिगर जो है वो ये B पॉइंट को यहां ले आए हैं, A पॉइंट यहीं पर है, सेकंड फिगर में ये 1 मीटर है, ये 2 मीटर है और यहां पर वही Q पड़ा है। तो दोनों ही केस में आपने बताना है कि VA माइनस VB कितना होगा। हाँ जी बच्चों, वी ए यहां पर पोटेंशियल इसका वो हमें लिखना है, तो वो आएगा के क्यू बाय 2 डिस्टेंस, वी बी वो आ जाएगा जी के क्यू बाय 1। तो वी ए माइनस वी बी अगर आप निकालना चाहते हो, के क्यू बाय 2 माइनस के क्यू बाय 1, के क्यू कॉमन और साथ में आ गया माइनस 1/2, 1/2 माइनस 1 इज माइनस 1/2, तो आंसर इज माइनस के क्यू बाय 2, वो इस केस में आया। इस केस में भी अगर हम देखें तो डायरेक्शन का कोई चक्कर नहीं है, पोजीशन का कोई चक्कर नहीं है, सिंपली वैसे ही है। यहाँ पर पोटेंशियल जब आपने लिखना है तो ये डिस्टेंस लेना सिर्फ, तो वो फिर से आ जाएगा के क्यू बाय 2, और यहाँ पर जब आपने पोटेंशियल लिखना है इसी क्यू चार्ज का, वो आ जाएगा आपके पास के क्यू बाय 1। तो फिर से वही चीज है, जब आप VA माइनस VB करेंगे आंसर आपके पास सेम आएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम। और वैसे भी आपको पता है, कल हमने डिस्कस किया था कि अगर 1 मीटर रेडियस का पूरा एक सफियर बना देंगे, ऐसे पूरा एक सफियर बना देंगे, उस पूरे सफियर पर इस चार्ज का पोटेंशियल सेम होगा। क्यों सेम होगा? क्योंकि फॉर्मूला तो यही है KQ बाय R, तो उस पूरे स्फीयर पर सेम होगा। इसीलिए जब हमने पॉइंट B को यहां रख दिया, उससे इसके पोटेंशियल पर कोई फर्क नहीं पड़ा। चाहे मैं पॉइंट B को ऐसे स्क्रीन से बाहर ले आता और इसके परपेंडिकुलर रख लेते स्क्रीन से बाहर की तरफ, और चाहे हम इसको यहाँ पूरे सफियर पर ऐसे घुमा दें, कहीं पर भी ले जाएं, पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
हाँ जी, तो अब हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए शॉर्ट डाइपोल एट एनी पॉइंट। कैसे की करेंगे इसको? बहुत आसान है। ये हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है, ये इसका मिड पॉइंट है और 2a इसकी लेंथ है डाइपोल की। अब आप बच्चों को पता है कि जो डाइपोल मोमेंट होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसको पी वेक्टर से डिनोट किया जाता है, और वो जो पी वेक्टर है बच्चों वो नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज होता है, इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। और डाइपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 टाइम्स Q इंटू ए, बेसिकली चार्ज इंटू लेंथ ऑफ डाइपोल, और लेंथ ऑफ डाइपोल इज 2a, देयरफॉर पी वेक्टर इज 2qa। नाउ वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दिस डाइपोल एट सम पॉइंट पी। उस पी का पोजीशन वेक्टर है आर वेक्टर, जो हमने ओरिजिन से ड्रॉ किया है, और आर वेक्टर का जो एंगल है डाइपोल मोमेंट के साथ थीटा है। जैसे हमने लास्ट केस में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करी थी, इस केस में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करने वाले हैं। दिस इज माइनस क्यू चार्ज, दिस इज प्लस क्यू चार्ज। नाउ लेट अस सपोज द डिस्टेंस ऑफ माइनस क्यू चार्ज फ्रॉम पॉइंट पी इज R1 एंड डिस्टेंस ऑफ प्लस क्यू चार्ज फ्रॉम पॉइंट पी इज R2। तो ये दोनों डिस्टेंसेस ही हमें चाहिए, डायरेक्शन का कोई चक्कर नहीं है। तो पॉजिटिव का पोटेंशियल आ जाएगा जी के क्यू बाय, पॉजिटिव के लिए मैंने R2 यूज किया है, R2, और नेगेटिव का पोटेंशियल आ जाएगा जी माइनस के क्यू बाय R1। तो जो नेट पोटेंशियल हम लिखेंगे वो आएगा के क्यू इज कॉमन 1/R2 -1/R1, तो दिस इज नेट पोटेंशियल। बट अभी प्रॉब्लम ये है कि हमें R1 और R2 को फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ ए एंड थीटा एंड आर, ठीक है, आर ए थीटा ये सब आ सकता है, क्योंकि डाइपोल ये जब प्रॉब्लम आपके सामने आएगी एग्जाम में या बुक में, जब आर्टिकल पूछा जाता है डेरिवेशन के लिए, तो डाइपोल की लेंथ बताई जाती है विच इज 2a, थीटा एंगल बताया जाता है, और साथ साथ आर डिस्टेंस मिड पॉइंट से बताया जाता है। तो ये जो R1 R2 है ये तो हमने कंसिडर किया है, तो अभी R1 R2 की वैल्यूज को फाइंड करके यहाँ पे सब्सिट्यूट करेंगे एंड वी विल गेट आंसर। तो R1 किसके बराबर है, इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां से मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर रहा हूं ऐसे नीचे की तरफ, और नेगेटिव चार्ज से हमने एक परपेंडिकुलर फेंका ऑन दिस लाइन। नाउ लेट अस सपोज दिस इज ए पॉइंट एंड दिस इज एम एंड दिस इज ओ, ये तो आपको पता ही है। तो अब ये जो ट्रायंगल है हमारे पास, इस ट्रायंगल से हम R1 को फाइंड करेंगे। अब सिंपल सी बात है, ध्यान से अगर देखा जाए तो जो R1 है वो अप्रोक्सीमेटली पी ओ प्लस ओ एम के बराबर है, और जो पी ओ है बच्चों वो तो आर है, और ये जो ओ एम है उसको भी फाइंड कर लेते हैं, बहुत आसान है। उसको फाइंड करने के लिए हमारे पास यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये ए साइड है, ये एम पॉइंट है, दिस इज ओ, तो यहां पर आपके पास एंगल थीटा है, तो दिस इज बेस जो आपने फाइंड करना है, और ये ए आपको पता है, दिस इज ए, ये हाइपोटन्यूज है, तो बेस अपॉन हाइपोटन्यूज बेसिकली ओ एम अपॉन ए ओ इज कॉज ऑफ थीटा, कोसाइन ऑफ थीटा, देयर फोर ओ एम इज सॉरी ओ एम ओ एम इज ओ ए कॉस थीटा विच इज स्मॉल ए कॉस थीटा। तो ये जो साइड हमारे पास आई है ओ से लेके एम तक का ये जो डिस्टेंस है ये वाला, दिस डिस्टेंस इज ए कॉस थीटा इन टर्म्स ऑफ ए एंड कॉस थीटा, तो ये ए कॉस थीटा यहाँ पर इसमें ऐड हो। सिमिलरली R2 जो है बच्चे उसको भी फाइंड करते हैं, बहुत आसान है, यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर अब इस पे फेंकना है, तो जब आप परपेंडिकुलर यहाँ पे फेंकेंगे इसको एन पॉइंट ले लेते हैं, इसको बी लिख लेते हैं, और ये परपेंडिकुलर है। तो इस केस में अभी हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो R2 है वो अप्रोक्सीमेटली, ये जो R2 है पी बी था, दिस इज अप्रोक्सीमेटली पी एन, और जो पी एन है बच्चे वो किसके बराबर आएगा, दैट इज पी ओ माइनस ओ एन, पी ओ यहां से लेके यहां तक कंप्लीट है और ओ एन इतना सा डिस्टेंस है, तो पी ओ तो आर के बराबर है और ओ एन इज अगेन ए कॉस थीटा, इसको भी फाइंड कर सकते हैं। देखिए ये वाला हाइपोटेन्यूज बनेगा हमारे पास, दिस इज ए, दिस साइड इज ए एंड दिस इज बेस, तो बेस आपने फाइंड करना है, बेस इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज टाइम्स कॉस थीटा मीन्स ए कॉस थीटा, दिस इज योर R2। R1 R2 दोनों आ गए, दोनों को हम इक्वेशन वन में पुट करते हैं, इक्वेशन वन में पुट करेंगे तो वी नेट हमारे पास आ जाएगा के इंटू क्यू 1/R-a cos थीटा माइनस
आर प्लस ए कॉस थीटा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहां आएगा आर प्लस ए कॉस थीटा माइनस आर प्लस ए कॉस थीटा, नीचे एलसीएम आएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां पर आर और माइनस आर कैंसल हो गए एंड द रिजल्ट इज के इंटू टू क्यू ए कॉस थीटा, क्योंकि यहां ब्रैकेट है तो ए कॉस थीटा दोनों ऐड हो गए, टू ए कॉस थीटा बन गया अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो दिस इज द पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट पी। अब इसका एक स्पेशल केस है, वो स्पेशल केस है कि अगर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज फार अवे, अगर हम पॉइंट को काफी दूर ले जाएं, तो उस केस में बच्चे जो ए है दैट इज वेरी लेस एज कंपेयर टू आर, तो उस केस में हम ऊपर से ए को निग्लेक्ट नहीं करेंगे, डिनोमिनेटर से करेंगे, तो बी नेट आएगा के और टू क्यू ए इज पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और ये जो के है यहाँ पे होता है वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, और पी कॉस थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं पी वेक्टर डॉट आर कैप, स्केलर ही आएगा क्योंकि डॉट प्रोडक्ट लिखा हमने आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि देखिए ये पी वेक्टर की डायरेक्शन है और ये आर वेक्टर की डायरेक्शन है, ये वाली दिस इज आर वेक्टर इन दिस डायरेक्शन, और पी कॉस थीटा बेसिकली पी वेक्टर का ही कंपोनेंट है अलोंग आर वेक्टर, है ना, प्रोजेक्शन भी बोल सकते हैं, पी कॉस थीटा जो होता है बच्चे दैट इज कंपोनेंट ऑफ पी वेक्टर अलोंग आर वेक्टर, उस कंपोनेंट को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो दिस इज इन वेक्टर फॉर्म और वो स्केलर फॉर्म में है। तो हमारे पास यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा, अगर हम इसकी वेरिएशन बताना चाहें तो ग्राफ अगर ध्यान से देखें, डाइपोल का पोटेंशियल, डाइपोल कौन सा डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल है इसीलिए हमने इस चीज को ऐसे किया है, ये वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, लेकिन अगर हमारे पास पॉइंट चार्ज होता तो पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल आपको पता है बच्चों, पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल इज वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, दिस इज फॉर पॉइंट चार्ज। तो दोनों में कंपैरिजन का ध्यान रखना आपने, दोनों हाइपरबोला ही बनेंगे, ये हाइपरबोला है ठीक है, ये वन बाय आर स्क्वायर की वेरिएशन है, तो ये ग्राफ्स भी पूछे जा सकते हैं डाइपोल के पोटेंशियल के, और ये वाला एक्सप्रेशन भी दिमाग में रखना है। अब आप इस एक्सप्रेशन से दो स्पेशल केस और कर सकते हैं, अगर हम ऑब्जर्वेशन पॉइंट को ले जाएं इक्विटोरियल लाइन पर, ध्यान से देखें, अगर मैं पी पॉइंट को ऐसे घुमा के इस लाइन पे ले जाऊं, ये इक्विटोरियल लाइन है, तो एंगल थीटा जो है वो 90 डिग्री बनेगा इस केस में, तो कॉस 90 जीरो होता है, अगर हम यहाँ पे कॉस 90 पुट करेंगे तो पोटेंशियल जीरो आ जाएगा इक्विटोरियल लाइन पे, जो हमने कल फाइंड किया था लास्ट लेक्चर में। और अगर हम इस पी पॉइंट को उठा के यहाँ ले जाए एक्सियल लाइन पर और यहाँ पर आप पुट कर दें इस इक्वेशन में थीटा इज इक्वल टू जीरो डिग्री, तो आपके पास वो रिजल्ट आ जाएगा जो हमने एक्सियल लाइन के केस में फाइंड किया था। तो इसलिए आपने ये वाला रिजल्ट लर्न करना है अच्छे से, शॉर्ट डाइपोल है, ये वाला भी रिजल्ट लर्न करना है, इसको हम के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं वी नेट, ठीक है जी, और ये शॉर्ट डाइपोल का स्पेशल केस है तो उसमें ये रिजल्ट आएगा। तो दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। तो अभी हमारे पास ये वाला केस कंप्लीट हो गया, एक और एग्जांपल करते हैं, लेट अस सपोज वी हैव ए सर्कुलर लूप, अब उस सर्कुलर लूप के सेंटर पे हमें पोटेंशियल बताना है, तो एक सेंटर पे बताना है और दूसरा नेक्स्ट केस है एक्सिस पे बताना है। तो वेरी वेरी सिंपल, टोटल चार्ज क्यू, ये सेंटर था, यहां मैंने क्यू लिख दिया, ये सेंटर है ओ पॉइंट, ठीक है, तो दोनों ही केस में हमें बताना है, इस केस में रेडियस आर है और इस केस में भी रेडियस आर है, लेकिन यहां पर ऑब्जर्वेशन पॉइंट एक्सिस पर है डिस्टेंस एक्स से, और यहां पर ऑब्जर्वेशन पॉइंट सेंटर पे है, यही है ऑब्जर्वेशन पॉइंट। तो एट सेंटर जो पोटेंशियल है वो कैसे निकलेगा, देखिए हमें क्या करना होता है, हमें स्मॉल चार्ज पहले कंसिडर करना होता है डी क्यू, और पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला हम यहां पर लगाएंगे अगर, तो उसका पोटेंशियल आएगा स्मॉल पोटेंशियल डी वी इज इक्वल टू के डी क्यू बाय आर, ठीक है, दिस इज स्मॉल पोटेंशियल। अब टोटल लिखना है तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डी वी, जब आप इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो के और आर तो दोनों कॉन्स्टेंट ही हैं, वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगे, और डी क्यू की इंटीग्रेशन टोटल चार्ज क्यू बन जाएगा, इट इज वेरी सिंपल, तो के क्यू बाय आर, तो सेम फॉर्मूला है, स्फीयर का भी यही था, ये रिंग है, रिंग के सेंटर पर भी यही है, यहां हम लिख देते हैं इट इज ए रिंग और सर्कुलर लूप। इस केस में देखें बच्चों, इस केस में भी हमें क्या करना है, डी क्यू चार्ज कंसिडर करना है और उस डी क्यू का पोटेंशियल पहले हमें पी पॉइंट पर लिखना है,
तो VP due to small charge, DVP, that is K DQ by distance. अब इस केस में डिस्टेंस आएगा DQ का R square plus X square. इस केस में DQ का डिस्टेंस R के बराबर था, लेकिन यहाँ क्योंकि एक्सिस पे पॉइंट है, पाइथागोरस लगा दी मैंने, तो ये डिस्टेंस है R square plus X square. अब फिर जब हम टोटल पोटेंशियल निकालेंगे तो आपने जस्ट इंटीग्रेट ही करना है इसको. अगेन इट इज वेरी सिंपल, K इंटीग्रेशन से बाहर, और ये नीचे वाला डिनोमिनेटर भी जो है ये भी इंटीग्रेशन से बाहर, क्योंकि ये कांस्टेंट रहेगा. जब आप इस छोटे छोटे चार्जेस को ऐसे जोड़ोगे तो आपने जस्ट इसकी सर्कमफ्रेंस के अलोंग चलना है, तो ये डिस्टेंस जो है दैट इज ऑलवेज अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर एक्स स्क्वायर, हेंस इट इज ए कांस्टेंट. तो सिंपली डी क्यू को ही इंटीग्रेट करना है आपको, तो ये फिर से बनेगा के क्यू टोटल चार्ज अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. तो दिस इज द पोटेंशियल ड्यू टू ए सर्कुलर लूप एट इट्स एक्सिस. ठीक है जी, तो ये वाला था सेंटर. तो ये दोनों ही रिजल्ट्स आपने अच्छे से लर्न करने हैं. अब इस केस में भी इस तरह की कुछ एग्जांपल्स बन जाती हैं, जैसे दो रिंग्स दी हुई हैं आपको, एक एग्जांपल है छोटी सी, दो रिंग्स दे दी अगर आपको, ये आपको एक और रिंग दे दी और बोल दिया कि भाई इस पे चार्ज क्यू वन है, इस पे चार्ज क्यू टू है, और ये डिस्टेंस जो है दोनों में ये आर है. लेट अस सपोज कुछ भी दे सकते हैं, टू आर दे सकते हैं, मैंने आर ले लिया, ये रेडियस भी आर है. तो इस तरह से एक अरेंजमेंट दे दिया, दोनों का चार्जेस आपको गिवन है. अब अगर आपसे पूछा जाए जी कि किसी पॉइंट पर टोटल पोटेंशियल निकाल ले, तो पहले आपने इस रिंग का निकाल लेना है, फिर इसका निकाल लेना है, डिस्टेंस का ध्यान रखना है, और वो पोटेंशियल निकाल के आपने जस्ट दोनों को ऐड कर देना है. अगर आपको पूछा जाए कि भाई व्हाट इज द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ दिस रिंग, मतलब वी ए निकालना है, तो यहाँ पर बच्चे अब एक रिंग का नहीं लगेगा, दोनों का लगेगा रिजल्ट. कैसे? देखो, फर्स्ट रिंग के लिए ए पॉइंट सेंटर पे है, तो उसके लिए फॉर्मूला लगेगा के क्यू वन बाय आर, सेंटर वाला. सेकंड रिंग के एक्सिस पर है यही सेम पॉइंट, तो दूसरी का भी पोटेंशियल यहाँ ऐड करना पड़ेगा. मींस जो वी ए होगा यहाँ पर वो दोनों का होगा, रिंग वन प्लस पोटेंशियल ड्यू टू रिंग टू, दोनों का ए पॉइंट पर. तो अब दूसरी का पोटेंशियल आएगा के क्यू टू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है, ये आएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर विच इज रूट टू आर, रूट टू आर. तो दिस इज द पोटेंशियल एट ए. और लेट अस सपोज यहाँ पर बी पॉइंट भी पूछ लिया जाता कि भाई बी पर भी पोटेंशियल निकाल लो, तो फिर यहाँ फॉर्मूला बनता के क्यू टू बाय आर, इसका सेंटर वाला फॉर्मूला लगाते हम और दूसरे का एक्सिस वाला लगाते, तो के क्यू वन डिवाइड बाय रूट टू आर, तो ये वी बी है. अगर आपसे पूछ लिया जाए जी वी ए माइनस वी बी निकालो, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो. अगर आपको पूछ लिया जाए कि भाई यहाँ पर एक क्यू नॉट चार्ज है जी, उसको ए से बी तक लेके जाना है, कितना वर्क करना पड़ेगा, तो वर्क फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए इंटू क्यू नॉट. तो वी बी माइनस वी ए यहाँ से सब्ट्रैक्ट करके निकाल लो, उसको क्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट वर्क डन. तो ये वाली जो एग्जांपल है वर्क डन वाली, ये किसी भी तरह की पोटेंशियल के डिस्ट्रीब्यूशन के केस में, चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन के केस में पूछी जा सकती है. फॉर्मूला हमेशा यही होता है कि अगर आप किसी एक इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जाना चाहते हैं, वर्क डन फ्रॉम एनी इनिशियल पॉइंट टू सम फाइनल पॉइंट इज इक्वल टू जो हमने चार्ज मूव किया है, दैट चार्ज मल्टीप्लाइड बाय फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल. फाइनल का मतलब कि वो जो एफ पॉइंट है वहां पर कितना पोटेंशियल है, और इनिशियल मींस जो स्टार्टिंग पॉइंट था वहां पर कितना पोटेंशियल था, दोनों को आपने माइनस करना है, वहां से वर्क डन निकलता है. यहाँ पर एक चीज और इंपॉर्टेंट है ध्यान देने वाली, ये जो वर्क का फॉर्मूला हम निकाल रहे हैं दिस इज एक्सटर्नल वर्क. अगर आपको किसी एग्जाम्पल में वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्सेस पूछ लिया जाए, इलेक्ट्रिक फोर्स, और इसको एक और नाम से बोला जाता है इंटरनल वर्क, तो तब आपने पहले एक्सटर्नल निकाल लेना है. फिर इंटरनल वर्क और एक्सटर्नल वर्क में हमेशा ये एक रिलेशन होती है जो आपने वर्क पावर एनर्जी में भी पढ़ी हुई है कि एक्सटर्नल वर्क इज ऑलवेज माइनस ऑफ इंटरनल वर्क, क्योंकि ये कंजर्वेटिव फोर्स है, तो कंजर्वेटिव फोर्स में ये चीज हमेशा से होती है. ग्रेविटेशन वाले केस में भी होती है, और ये चीज यहाँ पर भी होती है, स्प्रिंग मास सिस्टम में भी होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी होती है, कि एक्सटर्नल वर्क इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटरनल वर्क. तो ये इस तरह की प्रॉब्लम इसके ऊपर बेस्ड बन सकती है. ठीक है बच्चों, तो ये अभी रिंग वाला फॉर्मूला सेंटर पे बहुत आसान है, एक्सिस वाला फॉर्मूला, और ये डेरिवेशन क्योंकि ये डायरेक्ट आती है सीबीएसई में, तो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर सीबीएसई एग्जाम. डेरिवेशन फॉर्मूले तो हर जगह इंपॉर्टेंट है, और उससे पहले हमने ये कुछ प्रॉब्लम्स करी है. ठीक है जी.